मैजिक मसाला चैनल में माला यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल सूप। इसमें हमारे घर में जो भी सब्जियाँ होंगी वही सब्जियों से हम मिक्स वेजिटेबल सूप तैयार करेंगे। ये सूप हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और आप हफ्ते में कोशिश करेंगे 2 से 3 बार सूप पिए। इसके लिए बाहर से बहुत सारी सब्जियाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में हमारे पास घर में हमारे गाजर, टमाटर, बीन्स, घिया, धनिया सब चीज़ें ही होती हैं, उसी से हम मिलाकर मिक्स वेजिटेबल सूप तैयार करेंगे। आइए देखते हैं कि हमने इसके लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं। इसके लिए हमने 2 गाजर ली हैं, 1/4 कप घिया लिया है, 3 टमाटर लिए हैं, मीडियम आकार के हैं ये, 1 कप हरा धनिया लिया है, इसे काट लिया है हमने, 1/4 कप बीन्स लिया है हमने और 3 से 4 टुकड़े हमने चुकंदर के लिए हैं, 1/2 इंच हमने अदरक लिया है, 3 से 4 कलियाँ हमने लहसुन की ली हैं, 1 हरी मिर्च ली है हमने, 1 छोटा चम्मच हमने नमक लिया है, 1/4 छोटा चम्मच हमने जीरा लिया है, 3-4 हमने काली मिर्च लिया है और 2 छोटे तेज पत्ते लिए हैं हमने। अब आइए आगे इसको हम, इसके लिए हमने कुकर चाहिए और 2 गिलास हमें इसके लिए पानी चाहिए। आइए अब इसको हम तैयार करते हैं, बनाते हैं। पहले ठंडा कर लेंगे, उसके बाद मिक्सी में इसको हम ग्राइंड करेंगे। देखिए हमारी सब सारी सब्जियां अच्छे से गल गई हैं और इसका फ्लेवर भी, खुशबू बहुत ही अच्छा, फ्लेवर बहुत ही अच्छा होगा। इसको हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इसको ठंडा होने तक आप छोड़ दें। इसमें जो तेज पत्ता है उसको हम निकाल लेंगे पीसने से पहले, और जो टमाटर के ऊपर जो स्किन है वो अलग हो गई है उसे भी हटा लेंगे। आप चाहें तो हटा लें, नहीं तो इसको एज इट इज भी आप ग्राइंड कर सकते हैं, वो चूंकि पीस के तो अच्छा पेस्ट इसका बन ही जाएगा, पर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये इसका जो स्किन है वो खुद से ही अलग हो गई है। ये देखिए मैंने जो मिक्स वेजिटेबल का सूप का जो उबाला था उसका मैंने प्योरी बना ली है। इसको अब हम छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है कि पीने के टाइम सब्जियां मुंह में ना आए, इसलिए उसको हमें छानना है। देखिए हमने गैस ऑन कर ली है और एक पैन ले लिया है हमने। इसमें हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे जिसमें इसका टेक्सचर और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बच्चे भी हमारे सूप को पिएं, तो बच्चों को खिलाने के लिए थोड़ा सा ये हमें बटर ऐड करना पड़ेगा। जो ये हमने सूप बनाया है इसको इसमें हम ऐड कर लेंगे। देखिए सूप कितना थिकनेस लिए हुए है और बिल्कुल हमें, हमने बाहर से कोई चीज़ में ऐड नहीं की है। अब इसको एज इट इज
चटनी पी सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी है, इसको एक बार ट्राई जरूर करें। इसमें उबाल आने के बाद इसको हम बंद कर देंगे। ये सूप हमारा आप देख रहे हैं कि उबल चुका है। मैंने स्टार्टिंग में इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाला था, तो वो नमक सफिशिएंट तो नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा सा नमक इसमें अराउंड 1/2 छोटा चम्मच ऐड यूज़ कर रहे हैं। बाकी नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में आप नमक ज़्यादा मत डालिएगा, उससे नमक बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। आइए इसको हम सर्व कर लेते हैं। देखिए इसकी थिकनेस देखिए, और ये कितना स्मूथ है, आपको पीने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मुँह में वेजिटेबल्स भी नहीं आएंगे, लेकिन वेजिटेबल का जो फ़ायदे हैं, फाइबर है, वो आपको इसमें भरपूर मिलेगा। देखिए इसके बाद हम इसको हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। ये हमने, हमारे पास ब्रेड थी, उस ब्रेड को हमने स्लाइसेस में काट के हल्का सा फ्राइंग पैन में सौते कर दिया था एकदम धीमी आंच पे। आप चाहें तो इसको माइक्रो भी कर सकते हैं और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। बच्चे इस चीज़ को बहुत ही लाइक करते हैं, उनको खिलाने के लिए ये चीज़ें आप डालेंगे तो बड़े ही खुशी से पिएंगे। इसमें